दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉसरी स्टोर की फ्रेंचाइजी के डिसएडवांटेज के बारे में। देखिए एडवांटेज वगैरह तो आपको सब कोई बताता है, आज मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊंगा ग्रॉसरी स्टोर की फ्रेंचाइजी। हर फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ यहां पे ग्रॉसरी स्टोर की फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे कि क्या घाटा होता है। फ़ायदे वगैरह आपने देखा होगा यूट्यूब में भरी पड़ी है वीडियो, तो फ़ायदे के लिए वहां जाके देख सकते हैं, जो कि ज़्यादातर झूठी वीडियो होती हैं, है ना, प्रमोशनल वीडियो होती हैं। डिसएडवांटेज क्या है अगर आप लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं ग्रॉसरी स्टोर की। आज के डेट में हम देखते हैं मार्केट में फ्रेंचाइजी बहुत सारी दौड़ रही हैं, है ना, बांट रही हैं फ्रेंचाइजी। ले जाओ भैया, जैसे में कस्टमर माने वैसे में ले जाओ बस फ्रेंचाइजी, है ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी की जो डिसएडवांटेज है वो क्या क्या हो सकती हैं, आइए जानते हैं। देखिए अगर आप एक स्टोर खोलते हैं, है ना, एक मार्ट ओपन करते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है कि आप YouTube में वीडियो देखते हैं और आपको बहुत अच्छा तगड़ा फ़ायदा प्रॉफिट ये सब दिखाया जाता है, आप वो देख के एकदम लालच में आ जाते हैं, अरे इतना फ़ायदा इतना प्रॉफिट कैसे इन लोग 50-50% डिस्काउंट दिलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो इससे ना आप एक सोचते हैं कि चलो हम भी खोलते हैं अच्छा पैसा कमाएंगे। मैं बता रहा हूँ भाई, आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई, जो कमाई आपने रखी है उसको एकदम से ऐसे इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से छानबीन नहीं करेंगे, पूरी तरह से रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको घाटा लगेगा, है ना, जब तक आप पूरी तरह से रिसर्च करके काम नहीं करेंगे तो घाटा ये होता है। सबसे पहले फ्रेंचाइजी का आपको तगड़ी फ्रेंचाइजी फ़ीस भरनी पड़ती है उनकी, जो कि कोई काम की नहीं है, ठीक है, कोई काम की नहीं है। फ्रेंचाइजी फ़ीस आपको भरनी पड़ती है 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, वो आप फ्री में दे रहे हो। अगर आप खुद का मार्ट बनाओगे तो वो 3 लाख रुपए का माल ला के रख लो, 3 लाख का माल में आप अच्छा मार्जिन कमा लोगे, पैसा आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको फ्रेंचाइजी फ़ीस देनी है तगड़ी। दूसरा है रॉयल्टी, ये कंपनियाँ रॉयल्टी मांगती हैं कि जब आपका जो स्टोर चलने लगेगा, वैसे तो अगर नहीं चला तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर चलने लगा, बिक्री होने लगी मंथली, अगर आपकी सेल अच्छी खासी होने लगी तो 2-3% रॉयल्टी लेंगे। रॉयल्टी क्या, कि हमारे नाम से स्टोर चल रहा है, ये हमारा बोर्ड लगा है हमारे नाम से, आपका स्टोर चल रहा है, इतना पैसा आप कमा रहे हो तो हमको 3% रॉयल्टी दीजिए। तो हर महीने फिर आपको इनको पैसा देना पड़ेगा, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, है ना। कह देंगे भाई, कई कंपनी कह देंगी कि 2 महीने रॉयल्टी नहीं देना, 3 महीने नहीं देना, लेकिन ये एक टाइम पे आके रॉयल्टी मांगेंगी, कहेंगे हमको रॉयल्टी चाहिए। दूसरा घाटा ये हो गया, हम क्यों रॉयल्टी दें यार, काम तो हम ही को करना है, वो जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं उनके स्टाफ तो नहीं आ रहे, ये लोग खुद आपको स्टाफ हायर करके देंगे आपकी सिटी से, और सैलरी भी आपको ही देना पड़ेगा अपने स्टाफ को, तो रॉयल्टी उनको क्यों देना, सिर्फ बोर्ड टंगा दिए उनका इसलिए, ठीक है, दूसरा घाटा। तीसरा, अगर आपको नया स्टोर खोलना है तो फिर उसी फ्रेंचाइजी के पास जाओ, उसी से फिर बात करो, फिर उतना पैसा भरो, फिर दूसरा फ्रेंचाइजी आपका खुलेगा दूसरी जगह में। मान के चलो आप 2-3 और स्टोर खोल रहे हैं ना, 2-3 अलग अलग लोकेशन में, तो आप नहीं खोल सकते क्योंकि आपके पास राइट्स नहीं है फ्रेंचाइजी, तो उनकी उन्होंने दी है, तो आपको उनको फिर से पैसा देना पड़ेगा, तब जाके तीसरा चौथा स्टोर खुलेगा, दूसरा स्टोर खुलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, है ना। इसके बाद तो ये घाटा हो गया ना, इसके लिए क्या कर सकते हो, खुद अपना आपका, अगर आपका स्टोर होगा सेल्फ स्टोर आपके नाम से, आपने खुद बनवाया होगा किसी से कंसल्टेंसी लेके, जैसा भी आप खुद से बनाया होगा, तो आप उस स्टोर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, चला सकते हो, 10 स्टोर खोल लो, 15 स्टोर खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी में हो गया कि भाई आप दूसरा स्टोर नहीं खोल सकते, खोलना है तो और पैसे भरो और तगड़ी फीस भरो, फिर वही चीज़ है ना, ये चीज़ है। अब इसके बाद तीसरा घाटा, तो फिर इसके बाद सबसे बड़ा घाटा होता है जब ये फ्रेंचाइजी देते हैं, तब आपको जो इन्वेस्टमेंट कराते हैं, चाहे इंटीरियर में हो, चाहे आपका प्रोडक्ट परचेसिंग में हो, है ना, इन सब में आपको घाटा करवाते हैं। कैसे, आपसे कहेंगे कि भाई हम स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है आपका मार्ट बनाएंगे, जिसमें इतना पैसा हमको भर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख, मान के चलो 2000 स्क्वायर फीट का स्टोर बनवाया आपने, तो ये लोग ना 5-6 लाख, 8-8 लाख रुपए फ़ायदा कमाते हैं इंटीरियर बनाने में, ठीक है। तो आपका पैसा तो घुस रहा है ना उसमें ज़बरदस्ती का, क्योंकि आप स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे हो, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत गलत बात हो रही है। हमने देखा चीज़ों को, समझा, इसलिए हमने आपकी हेल्प के लिए, आपका पैसा ना जाए भाई, बेस्ट, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, तो इस चक्कर में स्क्वायर फीट के हिसाब से कहेंगे कि हम इस स्क्वायर फीट के हिसाब से बनाएंगे, और माल वहाँ लगना है, जो एक्चुअल कॉस्ट देखोगे ना, जो माल लगा होगा वहाँ, वो जितना कॉस्ट, मान के चलो उसने 20 लाख रुपए लिया इंटीरियर का, आप एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग निकालोगे तो वो 10 ही लाख की होगी, 15-12-13 लाख रुपए की होगी, अले 20 लाख लिए। प्रोडक्ट की बात करते हैं नेक्स्ट,
प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट परचेसिंग कराएंगे, खरीदी करवाएंगे आपके ही शहर में, दो चार पांच प्रोडक्ट गिने चुने होते हैं उनमें ये डिस्काउंट दिला देंगे, और आप डायरेक्टली भी जाओगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट। ये नहीं है, ये कहते हैं हम दिलवा रहे हैं, अरे आप डायरेक्टली भी जाओगे तो भी मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें करके झूठ बोल के आपको प्रोडक्ट परचेसिंग कराते हैं और उसमें भी आपको घाटा कराते हैं। स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको माल भरते हैं, उसमें भी घाटा है। मान के चलो आपका एक एक रैक है, उसमें आपका पूरा प्रोडक्ट भर दिया, कितने का सस्ता सस्ता प्रोडक्ट रख दिया और पूरा रैक भर दिया, जिसमें आपका वो स्क्वायर 1500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ले लिया, तो मान लीजिए 25000 रुपये ले लिए। अब उस सेल्फ में 10000 का सामान आया उसमें से, क्योंकि साइज़ तो बड़ा है सामान का, तो उसमें घाटा, घाटे हैं ये, ध्यान रखो, ठीक है। तो इन सब घाटों को मैं गौर किया हूँ चीज़ों को, फिर इसके बाद और घाटा क्या है, फ्रेंचाइजी लेते हैं, कई कंपनियाँ देती हैं, फिर आपको एक बार फ्रेंचाइजी खोल के दे दी, अपना पैसा कमा ली, फिर ध्यान ही नहीं देते कि कस्टमर फायदे में जा रहा है। फ़ोन में बात करेंगे शुरू में कि ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, आप इतना पैसा कमाओगे उतना कमाओगे, ऐसी चीज़ें झूठ झूठे वादे कर करके आपको जो है अपने चंगुल में फंसाएंगे, आप फंस जाएंगे और फिर आप लुट जाएंगे। मैं किसी पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप समझ जाइए, ठीक है। बहुत है मार्केट में ऐसी, बहुत सारी जो इस तरह के स्कैम कर रही हैं। एक दो तो मेरे पास फ़ोन आए थे कि भैया उन्होंने, मैंने 1.5 लाख रुपये दे दिए, फ़ोन ही नहीं उठा रहे, ऐसी चीज़ें। तो चीज़ों को समझो जानो, देन इसके बाद आप जो है डिसाइड करो। घाटे बहुत सारे हैं फ्रेंचाइजी लेने के, है ना। फ़ायदे अगर कहें तो फ़ायदे कुछ नहीं, फ़ायदा ये है कि आपके पास तगड़ा पैसा है तो दे दो उनको और बैठ जाओ मॉल में, है ना। और हिसाब उसाब किताब तो रख ही नहीं पाओगे जब आप शुरू में हिसाब नहीं रखे मार्ट बनवाते समय, तो बाद में क्या रखोगे, चीज़ें ये होती हैं। तो इन और भी घाटे हैं, फिर उनको डिस्क्राइब करेंगे हम आगे। तो ये चीज़ें फिलहाल मैंने बताई मोटी मोटी कि ऐसा चीज़ें होती हैं फ्रेंचाइजी लेने में, है ना। और ये फ्रेंचाइजी आप अगर खुद की बनाएंगे तो क्या होगा, खुद की बनाएंगे तो आप अपना मार्ट अलग से खोल सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें को कर सकते हैं, आप खुद परचेसिंग करा सकते हैं, अपने से जाके खरीदिए सामान, जाके आपको नॉलेज होगा, आप ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाएंगे। क्योंकि भाई देखो, मार्केट में जब हम खुद खरीदी करने जाएंगे ना, तो हमको नॉलेज होगा कि ये प्रोडक्ट इतने का मिलता है मार्केट में, ये इतने का मिलता है और इसको सेल इतने में करना है, तो ये सब नॉलेज चाहिए। हम कोई, आप तो फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो बनी बनाई थाली मांग रहे हो कि भाई बनी बनाई थाली दे दो, परोस दो, हम खा लें। तो बनी बनाई थाली चाहिए आपको, तो वो बनी बनाई थाली अगर रख लोगे ना तो उसको भी खाने में भी दिक्कत आएगी, जान लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, समझिए बात को। और आप खुद का मार्ट कैसे बना सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप खुद का मार्ट बनाना चाहते हैं, हमने नई स्कीम्स लॉन्च की कि भाई अब हम जो है खुद कस्टमरों का फ़ायदा करा के उनका मार्ट बनाएंगे। फ़ायदा कैसे, आप एक बार हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बात करिए, आपका जो साइज है उस हिसाब से आपका एक हम मेजरमेंट करेंगे, इंटीरियर और परचेसिंग दोनों चीज़ें हम करवाएंगे, प्रोडक्ट परचेसिंग, है ना, और डिस्काउंट के साथ में, ठीक है। तो परचेसिंग और इंटीरियर दोनों चीज़ें हम आपका बनवाएंगे कम से कम खर्चे में। आप कैलकुलेट कर लेना कि फ्रेंचाइजी आपसे कितना पैसा मांग रही है उस मार्ट का, और हम जो आपको कोटेशन देंगे या हम आपको जो बताएंगे कि लगभग इतना खर्चा आएगा, आप देख लेना 5 से 6 लाख का डिफरेंस आराम से होगा। क्योंकि हम जो है रेट टू रेट चीज़ों को दिलवा देंगे आपको, रेट टू रेट चीज़ें करवाएंगे, आपका पूरा मार्ट बनवाएंगे, परचेसिंग कराएंगे, जिसमें आपका अच्छा फ़ायदा होगा और आप अपना खुद का मार्ट खोल सकते हो, जिसमें आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे मार्ट में, जो जो चीज़ें लगती हैं, चाहे वो फिर रैक हो, चाहे आपकी ब्रांडिंग हो, बिलिंग मशीन हो, जो जो चीज़ें मार्ट में लगती हैं, AC, डीप फ्रिज, और आपके इंटीरियर को अलग सा बनवाना चाहते हैं बहुत लुक वाइज। हमने कई ऐसे मार्ट बनवाए हैं, आप फोटोज़ देख सकते हैं, जिनको हमने खुद ओपन करवाया है, हमने खुद बनवाया है, अभी हमारे कई जगह काम भी चल रहे हैं। तो आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको खुद से करना है, उस पर भी वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें लगेंगी, कैसे खुद से मार्ट बनाएं, खुद आप भी कर सकते हो, ठीक है। और कंसल्टेंसी हमसे लेंगे तो भाई थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा कंसल्टेंसी का, क्योंकि हम आएंगे जाएंगे, ये ट्रैवलिंग कॉस्ट ये सब लग जाती है ना, तो वो कंसल्टेंसी हम आपसे लेंगे और बेहतरीन मार्ट बना के देंगे, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए इसी नंबर पर अपनी डिटेल, अपना मार्ट का साइज, और आप बिल्कुल करवा सकते हैं, फ्रेंचाइजी के पीछे मत पड़िए। और जो फ्रेंचाइजी लिया होगा, मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको बहुत घाटा हुआ होगा। कई लोग हैं जिनको घाटा हुआ है, बहुत तगड़ा घाटा, मतलब 25-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए डाल दिए मार्ट में, अब बाद में फिर कुछ नहीं बचता, क्योंकि भाई
इतना इन्वेस्ट कर दिए हो, 50 लाख रुपए का माल भर दिए आपने, अब बिकना कितने का है, माल की वैल्यू कितनी है वो तो चेक करो, माल की जो वैल्यू कितनी है, 50 लाख का माल भर दिए, माल की वैल्यू 20-30 लाख रुपए है क्योंकि स्क्वायर फीट के हिसाब से भरा है आपने, ठीक है। तो बस आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, भैया बता रहा हूँ चीज़ों को समझना, और एकदम से किसी चीज़ को मत करो, पहले रिसर्च करो उसके बाद चीज़ों करो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।